नागौर जिले के पर्वतसर से खबर, जहां तहसील के गांव रोहणी निवासी महेंद्र आचरा छात्र राजनीति में इतने कम समय से गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में अपनी एक अलग पहचान बनाकर एक नई मिसाल कायम की है। आपको बता दें, महेंद्र आचरा वर्तमान में राजस्थान कृषि छात्र कल्याण संघ समिति के प्रदेश चेयरमैन हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इकाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आचरा पिछले 4 साल से कृषि क्षेत्रों की छात्रों की मांग को लेकर छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में अधिकतर कृषि छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर छात्र हितों के लिए बड़े आंदोलन भी किए। हाल ही में प्रदेश चेयरमैन आचरा बांसवाड़ा, स्वाईमाधोपुर, उनियारा, चिमनपुरा कृषि कॉलेजों को अलग अलग से संचालित करने की मांग को लेकर विगत दिनों में कृषि मंत्री के घर का घेराव भी कर चुके हैं। आचरा राजस्थान में कृषि छात्रों के हितों के लिए सबसे अधिक ज्ञापन देने वाले छात्र नेता माने जाते हैं। आपको बता दें, महेंद्र आचरा राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में 56 साल के इतिहास में सबसे लंबा धरना देने वाले व्यक्ति है। चेयरमैन आचरा कई नेताओं व मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर कृषि छात्रों को विभिन्न मुद्दों को लेकर समय समय पर अपनी आवाज भी उठाई। 4 साल से सरकार से दिन रात लड़ाई लड़कर आखिरकार कॉलेज प्रशासन व कृषि मंत्री को प्रदेश चेयरमैन आचरा की विभिन्न मांगों को लेकर समझौता करना पड़ा। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में चल रही कृषि कॉलेजों की कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में अलग स्थापित करवाकर छात्रों के बीच में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है।